الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليهم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر نَتَنَالُ حضور جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت دے وچ ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا जिन्हों कबर दे विच भी कोई पुटदा नहीं. ते जेड़ी जगह ते पढ़िया कुरान जावे डाकू उस मकान नु लुटदा नहीं. भावे कुली दरवे ना कखियारो दर रब करीम दा छुटदा नहीं. हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जाते पाक वास्ते खास वरुदो सलाम सईदुना व इमामुना इमाम कुल फखर रसुल नबी रहमत रहमत दो आलम
आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात गिरामी ते जीवकार मौज़ सामईन सामियात अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि उस मालिक ने अपनी रहमत और तौफीक खास नाल अज दी इस अजीम शान सालाना पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर मैनू और तुस अहबाब नू जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मैं दुआगो हाँ जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम नू तरतीब दिता मस्जिद दे इमाम खतीब मुंताजमीन मुआविनीन अहबाब जमात बिलखसूस बरादरे मोहतरम भाई मलक अब्दुल फार साहब भाई अब्दुल रहमान साहब और चाचा जी अब्दुल रशीद रहमतुल्ला अलैह उन्हां दे फरजंदान दीगर अहबाबे जमात अल्लाह ताला सब दियां मेहनतां कोशिशां काविशां अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात यकीनन बहुत बड़ी सआदत दी बात है कि अल्लाह ताला ने सानू इस खूबसूरत बज़म दे अंदर बैठन दी तौफीक अता फरमाई। मेरे तो कबल मुबलगे इस्लाम खतीब इस्लाम हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ तबस्सम शेखुपुरी हाफिज़हुल्ला मुख्तसर वक्त दे अंदर तुसा अहबाब नाल हम कलाम सन अल्लाह ताला उन्हां नू मुकम्मल सेहत कामला आजला अता फरमाए। उन्हां तो कबल मुबलगे इस्लाम खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी हफीजुर रहमान बलोच साहब बिन खतीब पाकिस्तान हजरत कारी मुहम्मद यासीन बलोच साहब तुसा अहबाब नू तड़पा रहे सन। उन्हां तो कबल मुबलगे इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मुहम्मद हनीफ आजे साहब दीगर उलामाए कराम कुर्राए कराम शुआराए कराम तुसा अहबाब नाल हम कलाम हो चुके और मेरी गुफ्तगू दे मुत्तसिल बाद वकील मसल के अहले हदीस अजीम सकालर हजरत अलामा प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल रज़ाक साजे साहब हाफिज़हुल्ला फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह उन्हां दा आलिमाना फाजिलाना खिताब आम होएगा। अल्लाह ताला उलमाए कराम दा बयान करना तुसा अहबाब दा समात करना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। आवाज़ सोहनी जी बना दिओ कोई चस वाली आवाज़ नहीं अल्लाह तुहाडे सौण च बरकत फरमाए अल्लाह तुहानू भी सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। हजरात माशाअल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर शेखुपुरी साहब ने नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत का एक पैगाम दिता है। कानफ्रेंस का उनवान पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी जी तुहाडे अंदर सुस्ती माशाअल्लाह बासियां में लेंदे पए हो नींदर भी आ रही है चेहरियां की रौनक भी थोड़ी जी बुझी बुझी है। रबदार होके हुशार होके नबी पाक का नाम आए मुहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहानू हुणे नहीं कहना भी हाथ चौके कहो या बाहां चौके क्यों क्योंकि माशाला तुहाडे हाथ भी थक गए ने बाहां भी थक गई ने ते गोडे छड़ दिओ बस बाकी अल्लाह तुहानू जज़ा खैर अता फरमाए। तवज्जो करना मेरी तरफ इस बात ते तमाम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह ताला दी जात दे बाद अगर किसी हस्ती का मुकाम है तो रहमत कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुकाम है और इस बात पे भी तमाम मुसलमानों का ईमान है और यकीन है कि इस कायनात के अंदर सब तो ज्यादा हुस्नो जमाल और खूबसूरत हस्ती है ते ओ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी हस्ती। जिवें नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दा मुकाम उच्चे इवें नबी पाक दा पैगाम भी उच्चा है। जिवें नबी पाक सब तो ज्यादा खूबसूरत ने इवें नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दा पैगाम भी बड़ा खूबसूरत और इतना खूबसूरत है कि मेरे पैगंबर सलातु व सलाम दा पैगाम मनण दे बाद जिहड़े लोग जहन्नम दे किनारे ते पहुंच चुके सन अल्लाह ताला ने उन्हां नू जन्नत दे नवाब बना दिता।
जन्नत दे वारस बना दिता। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन तो पहला उन हालात का नक्शा बयान किया, फरमाया वा कुन तुम आला शफा हुफरतिन मिनन नार फअनकज़कुम मिनहा, फरमाया तुसी जहन्नम दे किनारे ते पहुंच चुके सो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुहानू जहन्नम दे रस्ते तो हटा के जन्नत दे रस्ते ते लगाया। इहदा मतलब है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम इतना खूबसूरत है, जिहड़ा बंदा इस पैगाम नू मन लैंदा है वह जहन्नम तो बच जांदा है, जन्नत का हकदार बन जांदा है। आइए मेरे जिम्मे भाई अब्दुल फार साहब ने जिहड़ा उनवान लगाया, मैं इंशाल्लाह अपने वक्त के अंदर बयान करने की कोशिश करांगा। तवज्जो करना, मैं जिहड़ियां दो आयात तुसां हबाब के सामने तिलावत कीतियां ने, इन आयात के अंदर इन्हां दोनों आयात का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पाक नाल तअल्लुक है। आइए सुनना अल्लाह का कुरान बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल। हबीब करिया जनाब मुहम्मद, हिम्मत करो जरा, सल्लल्लाहु रहमत कायना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक दे कुरान पाक नाज़िल फरमाया, फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया नबी जी असा तुहानू शागत बनाया, शागत दा माना गवाह। फरमाया व मुबश्शिरा असा तुहानू मुबश्शर बनाया, मुबश्शर दा माना खुशखबरियां देण वाला। व नज़ीरा फरमाया असा तुहानू नज़ीर बनाया, नज़ीर दा माना आखरत दे अज़ाबां तों डराण वाला, कब्र दे अज़ाबां तों डराण वाला, जहन्नम दियां सख्तियां तों डराण वाला। अल्लाह ताला दे कुरान दा इक और मुकाम फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिहि लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। फरमाया बाबरकत औज़ात जिन्हें अपने बंदे ते फुरकान नाज़िल कीता, इत्थे फुरकान तो मुराद कुराने पाक के, फरमाया इस वास्ते फुरकान नाज़िल कीता, इस वास्ते कुरान नाज़िल कीता, लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा ताकि लोगों नूं आगाह कर दिता जे, ताकि लोगों नूं डरा दिता जे जहन्नम दे अज़ाबां तों। एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानज़िर व रब्बका फकब्बिर। फरमाया सुनिया ऐ चादर लैके सोण वालिया उठना, महबूब जी उठना, कुम फानज़िर लोगों नूं आगाह कीजिए, लोगों नूं डराइए, व रब्बका फकब्बिर अपने रब का नाम बुलंद कीजिए। एक और मुकाम अल्लाह के कुरान दा अल्लाह फरमांदे ने वा अनज़िर अशीरतका लअक़रबीन। फरमाया सुनिया अपने करीबी रिश्तेदारां नूं जहन्नम दी अग तों बचाओ ना, जहन्नम दी अग तों डराओ ना। सही बुखारी दी रवायत है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज नहीं गल चलनी माशाल्लाह, हले तक 11 बजे ने ते तुहाडे 12 बज गए ने, जरा दुरूद पाक दी चल आए। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता तुहानू जगाना पैणा ते फिर गल शुरू होएगी। सोहणियां अदावां ते मिजाज बेमिसाले, सोहणियां अदावां ते मिजाज बेमिसाले, खत्मे नबुवत वाला ताज बेमिसाले, सोनिया अदावां ते
मिजाज बे मिसाले सोनिया अदावा दे मिजाज बे मिसाले खत्मे नबुवत वाला ताज बे मिसाले ताज बे मिसाले खातमुल अंबिया दा सिगरा सजा के खातमुल अंबिया दा सिगरा सजा के अकसा च नबिया नो नमाज पढ़ा के आका दा सफर मेराज बे मिसाले आका दा सफर मेराज बे मिसाले खत्मे नबुवत वाला ताज बे मिसाले माशाल्लाह अहलन सहलन मरहबा बरादरी मुकर्रम खतीबे इस्लाम मुबलगे इस्लाम दाईये किताब सुन्नत वकील मसल के अहले हदीस हजरत अलामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब हाफिज़ाहुल्लाह तशरीफ लाए माशाल्लाह ज़ियारत करो ते आइए इंशाल्लाह हुण मैं तकरीर बिल्कुल मुख्तसर कर देनी है अहलन सहलन मरहबा वेखो करना हबीब इकबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख साहब आ गए मेरे वास्ते आसानी होगी वेखो करना गौर करना माशाल्लाह जागे हो ना है जागे हो ना अच्छा तुहानू वो कंबल जगाइए तो फिर तकरीर शुरू करिए होक कुरबान असी हार बैठ दे आमिना दिलाल जिदो दे सान मिल होक कुरबान असी हार बैठ दे होक कुरबान असी हार बैठ दे आमिना दिलाल जिदो दे सान मिल सुबह शाम आका दा दीदार मिलिया सुबह शाम आका दा दीदार मिलिया राजी राजी सोन दा प्यार मिलिया राजी राजी सोन दा प्यार मिलिया सुते गए सुते गए चेर साडे गए गिन खिल आमिना बिलाल जिदो गए सानू मिल होक कुरबान असी हार बैठ दिल आमिना बिलाल जिदो गए सानू मिल ओ छटिया निकल मां बिलाल सुनदा छटिया निकल मां बिलाल सुनदा हर दम रखदा ख्याल सुनदा काफरां ने जालमां ने काफरां ने ला छोड़ी पूरी पूरी दिल आमिना दिलाल जिदो गए सानू मिल सदके जावा कुर्बान जावा नबी पाक ने सलातु व सलाम दे सियाबी बयान कर दे ने जिदो नबी पाक ने सलातु व सलाम दे सीना पाक दे कुरान पाक दी ए आया मुबारक नाज़िल होई नवा अनज़र आशीरत कल करबीन सोणिया अपने करीबी रिश्तेदारां नु आगाह करो ना रब दे अज़ाबां तो डराओ ना नबी पाक ने सलातु व सलाम ने अपने खानदान दे लोगां नु मुखातब कीता अपने करीबी रिश्तेदार मुखातब फरमाया आप फरमाते ने माशरा कुरैश इस तरह अनफुसकुम अल्लाह उगनी अनकुम मिन अल्लाह शैया नबी पाक सलातु व सलाम ने अपने कबीले कुरैश के लोगों को मुखातब फरमाया मेरा ईमान है ओए कट्टी वालियो भाई वाले वालियो फैसलाबाद वालियो इस पूरी कायनात के अंदर सब तो अफजल ते आला खानदान है ते मेरे मुहम्मद पाक का खानदान है नबी पाक का कबीला पूरी कायनात नु अफजल ते आले मेरे पैगंबर अपने कबीले के लोगों को मुखातब करके कहते ने ऐ मेरी कौम के लोगो अपने आप नु जहन्नम दे अज़ाबां तो बचा लो ला उगनी अनकुम मिन अल्लाह की शैया कयामत वाले दिन मैं तुहाडे कम आ सकदा
ला उगनी अन तुम मिन लागे शैया किटा बड़ा कराने किटी बड़ी गद्दी है किटा बड़ा खानदान है नबी पाक अपने खानदान दे लोगों नु आखरत दा पैगाम दे रहे ने मेरे कदीने वालियो अगर आखरत दे अंदर रब दे अज़ाबां तो बचना चाहते ने ते नेक अमाल करने पैणे ने अकीदा तौहीद अपनाना पैणे इस तो बाद इहदे तो बाद अगली बात इहदे नाल बढ़ीए नबी पाक ने सलातो सलाम ने अपने चाचा नु मुखातब फरमाया या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ऐ मेरे चाचा जान अब्दुल मुत्तलिब दे बेटे ऐ मेरे चाचा अब्बास गल सुन लो इस तरह अनफुसकम ला उगनी अनका मिन लागे शैया चाचा जान अपने आप नु जहन्नम दे अज़ाबां तो बचा लो कयामत वाले दिन मैं तुहाडे काम नहीं आ सकदा इस तू अगे बढ़िए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फुफो नु मुखातब फरमाया या सफिया अमतु रसूलिल्लाह ऐ मेरी फुफो सफिया रसूलुल्लाह दी फुफो गल सुन ला उगनी अनकी मिन लागे शैया फुफो जान अपने आप नु जहन्नम दे अज़ाबां तो बचा लो अकीदा तौहीद अपना लो कयामत वाले दिन मैं तुहाडे काम नहीं आ सकदा इस तो अगली बात ते दे नाल वी बढ़िए तवज्जो करे आडे नबी पाक फरमांदे रे या फातिमा ता बिनत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गो जवानो मेरी ओ मां बहनो बड़ी काबिले तवज्जो बात है नबी पाक दी बेटी दी गल हुंदी पई है उस बेटी दी गल हुंदी पई है जिहदे बारे नबुवत वाली जुबान ने फरमाया वे अन्ना फातिमा ता संजीदा तो निसाई अखले जन्ना मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार है उस बेटी दी गल हुंदी पई है उस फातिमा दी गल हुंदी पई है जिहदे बारे नबुवत वाली जुबान ने फरमाया अल फातिमा तो बिदा तुम मिने व मन अदा गा फकद आजानी फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़े जिन्ने फातिमा नु दुख दित्ता ओने मैं मुहम्मद नु दुख दित्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन जदों तरबियत दियां वारियां आईयां जदों आखरत दियां वारियां आईयां मेरे पैगंबर फरमांदे ने या फातिमा ता बिनता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मेरी बेटी फातिमा ऐ मुहम्मद दी बेटी मेरे माल दे अंदरों जो लैण लै ले लेकिन अल्लाह कयामत वाले दिन मैं तेरे काम नहीं आ सकता कयामत वाले दिन अगर तेरे काम आणगे ते तेरे नेक अमाल काम आणगे यार एडा वड्डा घराना एडियां वड्डियां गस्तियां ते नबी पाक उन्हां नूं वी आखरत दा पैगाम देंदे पए ने आखरत दी फिकर दा पैगाम देंदे पए आ अल्लाह नबी पाक ने आखरत दा पैगाम दित्ता है आखरत दे अज़ाबां तों डराए ते अज असीं है वी गुनाहगार आ अज साडे पल्ले कुछ भी कोई नहीं ते फिर भी साडे दिलां दे अंदरों आखरत दा पैगाम भुल गए आखरत दी फिक्र भुल गई है अल्लाहु अकबर अल्लाह गौर करदियां जाना तवज्जो करदियां जाना नबी पाक ने सलातो सलाम पैगाम लैके आए इत्थे तौहीद दा पैगाम लैके आए ने इत्थे नबी पाक ने सलातो सलाम शिरक तो रोकण दा पैगाम लैके आए ने इत्थे नबी पाक हया दा पैगाम लैके आए ने इत्थे नबी पाक पर्दे दा पैगाम लैके आए ने इत्थे नबी पाक ने सलातो सलाम सूद तो रोकण वास्ते आए ने जितों मेरे पैगंबर शराब तो मना करन वास्ते आए ने जितों नबी पाक बदकारी तो रोकण वास्ते आए ने उत्थे मेरे पैगंबर आखरत दा पैगाम लैके आए ने आखरत दी फिक्र लैके आए ने दो तीन गल्लां समझाणियां ने ते गल मुका देणी है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सियापी हजरत बरा इब्न आज़ब रज़ियल्लाहु तआला को बयान करदे ने नबी पाक के जनाजे तो फारग होए ने एंड कब्र दे किनारे ते बैठे ने तदफीन दे अंदर कुछ देर रहमत कायनात ने सलातो सलाम ने अपना सर मुबारक झुकाया है ते मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम रोंदे पए ने बाबा का हत्ता बल्ला सरा
इतने को रोए ने नबी पाक, इतने को रोए ने, रो रो करके नबी पाक दे सामने जड़ी मट्टी है मेरे पैगंबर ने आंसुआ नाल गिली कर दी है, आंसुआ नाल तर कर दी है। अल्लाह ओ पैगंबर है जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने कद गफर अल्लाह खुदा कमा तकदम मिन ज़म्बे कवा मा ताखर, मेरे पैगंबर कब्र दे किनारे ते बैठ के रोंदे पैने, अपने सियापा नु फरमांदे पैने मेरे सियापा इस कब्र दियां तैयारियां कर लो, इस कब्र दियां तैयारियां कर लो। अल्लाह अकबर अल्लाह, यार अज भुल गई कब्र सानू, अज भुल गई आखरत, अज मौत भुल गई। अवेंदा नहीं रोजाना ही कोई ना कोई अचानक हादसा हुंदा है ते लोग अल्लाह नु प्यारे हुंदे जा रहे ने, चं चंगे भले घरों निकलते ने ते वापस लाशां घर दे अंदर आंदियां ने। ए खोड़े दे इलाके दा वाकिया, अल्लाह तुला जनाब तुला लैण गए, तुलगण नाल लैके निकले, वापस घर नहीं पहुंच सके, लाशां घर आईयां ने। एक महीना पहले आ तेरे सत्याने रोड दा वाकिया, साडे बरादर मलक अतीक रहमान तागिर साहब तांदलिया वाले वाले उन्हां दे भतीजे की शादी रखी हुई है। एक दिन पहले मेहमान घर दे अंदर आए ने, जिस दिन बरात जानी सी उस दिन तो एक दिन पहला है नौजवान अचानक अल्लाह नु प्यारा हो जाता है। यार क्यों भुल गए आखरत नु, क्यों भुल गए कब्र नु, पता नहीं केड़े वाले पैगामे जला जाने। होशंकार बंदिया छड़ दे नदानिया, होशंकार बंदिया छड़ दे नदानिया, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आ आनिया, तेरे अगे आनिया। ओ शिकार बंदिया छड़ दे नदानिया, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनिया, तेरे अगे आनिया। साथियां ते तेरियां ने साथ नहीं निभावना, साथियां ते तेरियां ने साथ नहीं निभा वणा। कल्ला एते आया एते कल्ला एतो जावणा, अर रात भी नी रखेणा, रात भी नी रखेणा, तेरे दिल जानिया, रात भी नी रखेणा, तेरे दिल जानिया। ओ तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आणिया, तेरे अगे आणिया। ओ शिकार बंदिया अल्लाह अल्लाह सदके जावा कुर्बान जावा, जिहड़ा इस कायनात दे अंदर आए एक ना एक दिन उन्हें चला जाना, अपनी आखरत दी फिक्र कीजिए। अगली बात बड़ी तवज्जो दे नाल समात फरमाना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दे सियापी फरमांदे ने आप फजर दी नमाज पढ़दे, फजर दी नमाज दे बाद नबी पाक सियापा वाल अपना रुख अनवर करदे। आप फरमांदे किसे ने ख्वाब वेख्या होए ते ख्वाब बयान करो, अगर किसे सियापी ने ख्वाब वेख्या हुंदा अपना ख्वाब बयान करदे। अज नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुछया किसे ने ख्वाब वेखे, सियापा कहंदे ने सुणे असीं ते नहीं वेख्या। नबी पाक फरमांदे ने मैं ख्वाब दे अंदर वेख्या, इंज करके तवज्जो करे अजे गौर कर, बस हदीस सुनाणी इंशाल्लाह फिर तुहाडे कोल इजाजत लै लेनी। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं वेख्या एक बंदा बैठा है एक बंदा खड़ा है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, जिहड़ा खड़ा है इहदे हथ दे अंदर लोहे दी कोई चीज है, इहने दे मुंह दे अंदर डालीए इहदी विराच नूं चीर करके रख देंदा है, फिर दूसरी साइड तो इहदी विराच नूं चीर करके रख देंदे। मैं सवाल पुछिया कौन है, तैनूं किस जुर्म की सजा मिलदी पई है, मैनूं दस्सिया कि अगे चलो ना अगे चलिया। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने एक बंदा सीधा लेटिया है एक बंदा इहदे सिर ते खड़ा है, इहने हथ दे अंदर पत्थर पकड़े है ते जोर नाल बार बार इहदे सर ते पत्थर मार दे, पत्थर जरा साइड ते चला जांदे उठान जांदा सर ठीक हो जांदे, दोबारा फिर पत्थर मार दे सिलसिला चलदा पे। मैं पुछिया कौन है इहनू किस जुर्म की सजा मिलदी पई है, मैनूं दस्सिया कि अगे चलो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह, नबी पाक फरमांदे ने अगे चलदे आं, मैं वेखिया की है इंज करके अग दा तंदूर है इहदे अंदरों अग ते शुद्ध निकलदे ने, अग आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो जांदी है, मैं वेखिया जी
जिवें अग दे शोले निकलते ने इहदे अंदर नंगे मर्द ने ते नंगियां औरतां ने इंज अग दे शोले बाहर आंदे ने इंज लगदे जिवें ना बाहर आ जाने फिर नीचे चले जाते ने। मैं पूछिया कौन ने इहनां नूं किस जुर्म दीआं सज़ावां पीआं मिलदीआं ने दस्सिया गया सोणे अगे चलो ना थोड़ा जगे चलिया एक खून दी नदी है इहदे जनाब दरम्यान तिकर बंदा खड़ा है ते इक किनारे ते खड़े जिहड़ा दरम्यान दे अंदर बंदे बाहर निकल की कोशिश कर दे जिहड़ा किनारे ते खड़े इन्हें हथ दे अंदर पत्थर पकड़े ने बाहर आते पत्थर मारते फिर रद जनाब खून की नदी नदी के अंदर गिर जाते बार बार अमल दोहराया जा रही है। मैं पूछिया कौन है ते इनू किस जुर्म की सजा आप ही मिलनी है मैंने दसिया अगे चलो ना। नबी पाक ने सलातो व सलाम हदीस लंबी है लेकिन मैं अपने मौजू के मुतालक बात बयान करना चाहना। नबी पाक फरमाते ने मैंने दसिया गया मेरे बरादर मेरे मोहतरम भाई वाले दिया गड्डी ते रहण वाले फैसला पत गया चार बातां चार गुनाह ने चार सजावां ने वेखना अगर तेरी जिंदगी दे अंदर चार गुनाह ने ते अज तौबा करके उठी अल्लाह कोल अपने गुनाहां दी माफी मंगनी अगर तेरी जिंदगी दे अंदर चार बातां कोई नहीं ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करी। पहले नंबर ते जिस बंदे दियां वराचां चीरियां जा रहियां ने मैनूं नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमांदे ने दस्सिया गया इहो बंदा सी जिहड़ा झूठ बोलदा सी इहदे झूठ नूं फैला दित्ता जांदा सी झूठ की वजह करके कयामत तक इन्हू इंजी सजावं मिलदियां रहणगियां इंजी अदाब हुंदा रहेगा। यार अज असीं झूठ बोलन लगे हां जरा जुबान ते अंदर वल नहीं पाते मां बाप नाल झूठ बोलते पे हां भैणां भरावां नाल झूठ बोलते पे हां रिश्तेदारां नाल झूठ बोलते पे हां सज्जण यारां दे नाल झूठ बोलते पे हां दुकान ते बह के झूठ बोलते पे हां आला अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे फरमाया यार फरमाया ईमान वालो अल्लाह कोल डर जो ते गल सीधी सीधी करिया करो सच बोलिया करो। अज असी फोन ते सारा दिन झूठ बोलते रहने जिन्ना बंदा पोता झूठ बोलता है लोग कहते बड़ा शातर है ये बड़ा तेज है दुनिया ते शातर बन के दुनिया वालों ते धोखा दे देगा लेकिन जदों कब्र के अंदर जाना हिसाब देना पैना है मैदान माशर के अंदर जाना हिसाब देना पैना है ते दूसरा बंदा जड़ा जे सीधा लेटिए इहदे ते पत्थर बरसाए जा रहे ने सिर ते। नबी पाक फरमांदे ने इह बेअमल आलम है जिन्हें कुरान याद कीता सी रात सौ करके गुजार दिंदा सी ते दिन दे ते अमल नहीं सी करिया करदा अल्लाहुम्म ला तजअल्ला मिनहुम। ते तीसरे नंबर ते नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमांदे ने ओ नंगे मर्द ओ नंगियां औरतां जिन्हां नूं तंदूर दी अग दे अंदर लाया डारिया जा रहा सी ए ओ मर्द औरतां सन जिहड़े अपने खावंद छड़ के अपनियां बीवियां छड़ के गैरां नाल बदकारियां करिया करदे सन गैरां नाल मूंह काले करिया करदे सन। अज साडे मुआशरे दे अंदर इस बीमारी ने सानू तबाह कर दिता है इस बीमारी ने साडे मुआशरे नू बर्बाद कर दिता है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है वाला तकरब जिना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला लोगो बेखयाई दे करीब नहीं जाना ए बुरा रस्ता दे बुरा रस्ता दे। अज अक्सर नौजवान इस बेखयाई दे रस्ते ते चल पैने माजरत नाल मेरे वीर मैं किसे दा गिरेबान नहीं पकड़ना चाहता किसे दी इज्जत नहीं उछालना चाहता आइए अपने गिरेबान दे अंदर झांकी अपना मुआसबा करिए क्यों मौत नूं भुल गए अगर बदकारी करदा मर गया ते बदकारी करदा उठेगा अल्लाहु अकबर अगर बेगयाई करदा मर गया ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बेगयाई करदा उठेगा। कायनात दे लोगो अल्लाह दे कोल डर जाना चाहिदा है अल्लाह दे कोल डरदिया रहना चाहिदा है हर कदम समझ के उठाना चाहिदा है कदम उठण वाला नेकी दी तरफ जाना चाहिदा है गुनाह वल जाना चाहिदा
गुनाह वाल नहीं जाना चाहिदा, बुराई वाल नहीं जाना चाहिदा, बेखयाई वाल नहीं जाना चाहिदा। जो करदा बंदा मर जाएगा ओह करदा कयामत वाले दिन उठे उठाया जाएगा। मैं बुखारी दी हदीस पढ़ी है, नबी पाक दे गसियाबी हड ते गए ने ते अपनी सवारी तो गिरे ने। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने इन्हां चादरां दे अंदर इहनूं कफन दे दिओ। कयामत वाले दिन उठेगा ते तलविया कहिंदा उठेगा, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहिंदा उठेगा, नमाज पढ़दा जाएगा ते नमाज पढ़दा उठेगा, तिलावत करदा जाएगा ते तिलावत करदा उठेगा। और कुल्लो मन अलैगा फान वाली गल ज़ेन तेरे तो लै गई है, कदी ए वी बह के सोच आई बाकी कितनी जिंदगी रह गई है। ओ इंज बिल्डिंग यार बनाइया नी, नाल कोठियां खूब सजाइया नी, ओ इंज बिल्डिंग यार बनाइया नी, नाल कोठियां खूब सजाइया नी, इंज लत्तां यार जमाइया नी, जिवें सनद जीवन दी लै लईए। ओलो मन अलईगा फान वाली गल ज़ेन तेरे तो लै गईए, ते इत्थों टुर पड़े शाहकार गए जिंदगी दियां बाजियां खार गए। इत्थों टुर पड़े शाहकार गए जिंदगी दियां बाजियां खार गए, नाले टुर साडे नबी सरदार गए, बेटी पाते मरोंदी रह गई है। बोलो मन अलईगा फान वाली गल ज़ेन तेरे तो लै गई है, कदी ए वी बैग सोच आई बाकी कितनी जिंदगी रह गई है। कर गौर तू हाथ दिया उंगलियां ते इना अंदर फर्क जरूर है, इंज फर्क है सारी दुनिया विच, कोई जाबिर कोई मजबूर है, कोई तंगे तन दिया कपड़ियां तो कोई खा खा मगरूर है। इस बात नू याद रख तू साडे दे हर एक ने मरना जरूर है, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश मगल चलिया, कोई पड़िया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई फुल गया मकसद आवण दा ते कोई करके मकसद गल चलिया। इत्थे कर कोई यार मुसाफिर गए, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। गौर कर तवज्जो कर, नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने ऐ जिहड़ी सदा मिलदी पई है बदकार मर्दां ते बदकार औरतां नूं। आखरी गल नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने, ओ जिहड़ा बंदा खून दी नदी दे अंदर ए, इह सूदी कारोबार करन वाले, सूदी कारोबार करन वाले ते कयामत वाले दिन इस खून दी नदी दे अंदर ही डुबदा रहेगा। दुनिया के लोगों का खून चूसण वाला, दुनिया के लोगों का खून चूसण वाला, गरीबों का खून चूसण वाला, कमजोरों का खून चूसण वाला, परेशान लोगों का खून चूसण वाला, ऐ परेशान लोगों का खून चूस के सेना को सूद लैन वाला। अल्लाह फरमाते ने अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्ला वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलु फ़ाज़नू भी कर भी मिन लागे वरसोली। फरमाया ईमान वालो अल्लाह को डर जो ते सूदी कारोबार करना सूद दे नेड़े जाना, अगर तुसी मोमन हो ते सूद लेना देना सूद छड़ दियो, सूद सूद छड़ दियो, ते याद रखो अगर बाद ना होगे ते अल्लाह ते रसूल नाल जंग करने वास्ते तैयार हो। मेरे पैगंबर ने आज तो 1450 साल पहले समझा दिता, लेकिन आज पहली सफदा नमाजी ये सूदी पैसे देन ते लैण तो बाद आंदा।
हैं मुसलमान ने रब भुल गया, रब दा रसूल भुल गया। याद रखिए कयामत वाले दिन हिसाब देना पैना है, कब्र दे अंदर जाना है, सजावां भुगतनियां पैणियां ने। आइए आखरत दी तैयारी कीजिए, अपनी आखरत वल ध्यान कीजिए। बड़िया सारिया बातां ने करन वालियां अल्लाह ताला कोल दुआ है, अल्लाह सानू आखरत दी फिक्र करन दी तौफीक अता फरमाए, जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना الحمد لله رب العالمين।